स्वागत है फिर रिटर्न फिर आवाज पे। जीपी पावर के शेयर में अभी क्या करना चाहिए? शेयर का प्राइस जो है अभी 18.64 पैसे के आसपास चल रहा है। कुछ दिन में जीपी पावर के शेयर ने एक जबरदस्त रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर्स को और हो सकता है कि ये शेयर यहाँ से थोड़ा बहुत तेजी बनाए। शेयर में अभी देखेंगे तो एक जबरदस्त तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जीपी पावर के शेयर में ये कंपनी जो है जो की यूटिलिटी सेक्टर से है, इस कंपनी का देखेंगे तो मतलब जो डेप्ट है डेप्ट को लेकर जीपी पावर बहुत सारे काम कर रहा है। डेप्ट को रिड्यूस करने के लिए जीपी पावर बहुत सारे काम कर रहा है तो हो सकता है कि कंपनी का शेयर जो है आगे चल के थोड़ा बहुत यहाँ से रिटर्न दे। तो क्या ऐसा चल रहा है जीपी पावर में जिसके चलते शेयर आगे चल के रिटर्न दे सकता है? टेक्निकली जीपी पावर का शेयर कैसा है और क्या करना चाहिए अभी जीपी पावर के शेयर में, इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो पे पूरा बने रहिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोवाइज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें। देखिए जेपी पावर का जो शेयर का प्राइस मतलब वन मंथ में शेयर एक जो लो प्राइस बना है 17.95 पैसे का और जो वन मंथ का हाई प्राइस है 24.54 पैसे का। तो वन मंथ का जो हाई प्राइस उसके आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों। एंड बात करते हैं यहाँ पे मतलब एक दिन में जो है जेपी पावर का जो शेयर है एक दिन में आप देख सकते हैं जो लो प्राइस बना है 18.51 पैसे का, जो हाई प्राइस बना है 18.91 पैसे का। जेपी पावर का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वालिटी है मतलब यहाँ पे जेपी पावर का जो क्वालिटी है जो कि 91 है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल जो कंपनी स्ट्रांग है एंड जो वैल्यूएशन है 81 है आउट ऑफ 100। एंड बात करते टेक्निकली जो यहाँ पे 50 है आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे कंपनी जो जेपी पावर का देखते हैं तो मतलब कंपनी जो है तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है जेपी पावर। अभी यहाँ पे देखिए जेपी पावर का बोलते कि एक हफ्ते में जो एक मतलब रिटर्न दिया है जेपी पावर के शेयर ने जहाँ पे मतलब एक हफ्ते में जो शेयर का प्राइस लगभग 3.32% डाउन हुआ है। वन मंथ में 3.72% डाउन हुआ है जेपी पावर का शेयर। थ्री मंथ में बात करेंगे दोस्तों 8.37% रिटर्न दिया है जेपी पावर के शेयर ने। जो प्रीवियस क्लोज प्राइस जेपी पावर का 18.49 पैसा उससे थोड़ा हाई प्राइस में शेयर का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। तो बोल सकते हैं कंपनी जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है या मतलब आप शेयर जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है जहाँ पे प्रीवियस क्लोज प्राइस है उससे थोड़ा हाई प्राइस में शेयर का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस क्लोज प्राइस 18.49 पैसे का है और शेयर अभी ट्रेड कर रहा है 18.64 पैसे में। वॉल्यूम की बात करते हैं जेपी पावर का जबरदस्त एक वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2.18 करोड़ का वॉल्यूम है दोस्तों जेपी पावर के शेयर में। 2.18 करोड़ का जो ट्रेड वॉल्यूम एक दिन का देखने को मिल रहा है जेपी पावर के शेयर में। और फिर देखिए जो लो प्राइस है 5.90% बहुत सारे डेप्ट जो है जेपी पावर ने रिड्यूस किया है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो हो सकता है कि जेपी पावर जो आगे चल के इसके जो डेप्ट वगैरह और ज्यादा रिड्यूस करे। अभी यहाँ पे देखिए जो शेयर होल्डिंग है दोस्तों शेयर होल्डिंग को लेकर बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास 24% का स्टेक है एंड जो FIS है FIS के पास 6.1% का स्टेक था। FIS ने यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया तो FIS ने यहाँ पे जबरदस्त इन्वेस्टर के रखा है। 7.6% का स्टेक FIS के पास है एंड म्यूचुअल फंड के पास जो 0.1% का स्टेक था। म्यूचुअल फंड ने स्टेक यहाँ पे जो इंक्रीज करके 0.2% का स्टेक किया है। पब्लिक के पास 51.4% का स्टेक था, पब्लिक ने यहाँ पे स्टेक रिड्यूस करके 50.1% का स्टेक किया है। अदर्स के पास 18.40% का स्टेक था, अदर्स ने जो स्टेक यहाँ पे रिड्यूस करके 18.10% का स्टेक किया है दोस्तों। तो यहाँ पे बोल सकते कि जो मतलब FIS ने स्टेक इंक्रीज किया है जेपी पावर में, म्यूचुअल फंड ने स्टेक इंक्रीज किया है जेपी पावर में। दोस्तों टेक्निकली बात करते हैं जेपी पावर के शेयर को लेके, टेक्निकली जो है शेयर एक न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली शेयर एक न्यूट्रल पैटर्न बनाता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का जेपी पावर का दोस्तों देखते हैं जहां पे कंपनी का जो EPS है, जेपी पावर का जो EPS है आप देख सकते हैं यहाँ पे EPS जो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट जो है विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। लो डेप्ट कंपनी है, जेपी पावर ने बहुत सारे डेप्ट जो है रिड्यूस किया है। कंपनी का जो डेप्ट है लो है, कंपनी जो यहाँ पे देखते रिड्यूसिंग डेप्ट है। जेपी पावर का देखते हैं तो इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर्स मतलब पिछले दो क्वार्टर से देखते हैं जेपी पावर का जो प्रॉफिट है इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू की बात करते हैं जो कि पिछले दो साल से इंप्रूव हो रहा है, मतलब जो पिछले दो साल से अगर देखते हैं तो बुक वैल्यू जो है यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है मतलब शेयर में हम लोग को फिलहाल अभी ट्रेडिंग वगैरह देखने को मिल रहा है जेपी के। अभी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन देखिए दोस्तों, फंडामेंटली जो स्टॉक विद कंसिस्टेंट रेजिंग क्वार्टरली नेट प्रॉफिट पॉजिटिव टर्न अराउंड हाई इंक्रीजिंग क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर। तो कंपनी का जेपी पावर का जो क्वार्टरली सेल्स है ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। लो लेवरेज है, हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, कंसिस्टेंट कैश फ्लो ऑपरेशन है, स्टॉक विद मॉडरेट पीई है। अभी जेपी पावर का जो शेयर है
जेपी पावर का जो शेयर है यहाँ पे, मतलब जो बुक वैल्यू है जेपी पावर का उससे थोड़ा हाई प्राइस में जेपी पावर का शेयर ट्रेड कर रहा है दोस्तों। एफआईएस ने स्टेक इंक्रीज किया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक इंक्रीज किया है यहाँ पे जेपी पावर के शेयर में। टेक्निकली बात करते हैं जेपी पावर के शेयर को लेकर, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग है निफ्टी 50 ओवर डे का, स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग है निफ्टी 50 ओवर वीक का, स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग है निफ्टी 50 ओवर मंथ का। हाईएस्ट वॉल मतलब जो शेयर का प्राइस है जेपी पावर का जो कि 50 डे का जो इसका हाई प्राइस है उससे जेपी पावर का, जहां पे देख सकते हैं जेपी पावर का जो मतलब शेयर जो है जहां पे लो डेप्ट, मतलब कंपनी के पास अगर देखेंगे तो अभी डेप्ट जो है जेपी पावर ने जो बहुत सारे डेप्ट इसने रिड्यूस किया है। अब देख सकते हैं जेपी जयप्रकाश पावर जो है यहाँ पे लिमिटेड रिड्यूस इट्स डेप्ट जो की 42.4 बिलियन एट द एंड ऑफ मार्च 2020। कंपनी जो यहाँ पे 42.4 बिलियन का डेप्ट जो है रिड्यूस किया है विद नेट डेप्ट अबाउट 32.8 बिलियन एंड क्रैश रेवेन्यू जो यहाँ पे रिवर्स है 9.57 बिलियन के आसपास। कंपनी जो यहाँ पे सीम्स टू बी यूजिंग डेप्ट रेजोल्यूशन वेल विद ए नेट डेप्ट टू EBITDA ऑफ 1.3 एंड इंटरेस्ट कवर जो कवर है 4.4 टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए कंपनी जो यहाँ पे डेप्ट को रिड्यूस करने के लिए काम कर रहा है और जैसे कि बताया जा रहा है लगभग 42.4 बिलियन के आसपास इसने डेप्ट जो है जेपी पावर ने रिड्यूस किया है। कंपनी यहाँ पे जेपी पावर का देखते हैं दोस्तों, फिलहाल हमें लगता है कि मतलब यहाँ पे कंपनी जो स्ट्रॉन्ग है, शेयर के प्राइस में थोड़ा बहुत यहाँ पे तेजी बन सकता है आगे चल के। म्यूचुअल फंड्स जैसे कि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे स्टेक इंक्रीज किया है, बात करते हैं जो एफआईएस ने स्टेक यहाँ पे इंक्रीज किया है। तो देखिए अभी जेपी पावर में बोल सकते कि जो मतलब इसका जेपी पावर के शेयर का जैसे कि एक दिन का अगर देखते हैं जो एक लो प्राइस बना है जेपी पावर के शेयर में दोस्तों जो कि 18.51 पैसे का, इसका एक दिन का लो प्राइस है जेपी पावर के शेयर का और एक दिन का जो हाई प्राइस है 18.91 पैसे के आसपास इसका एक दिन का हाई प्राइस है। और फिलहाल शेयर का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 18.64 पैसे में। 52 का जो लो प्राइस है 5.90 पैसे का, 52 का जो हाई प्राइस है 24 पैसे का। तो 52 का हाई प्राइस है जेपी पावर का शेयर बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। वन मंथ में देखते हैं जेपी पावर का जो शेयर है, वन मंथ में 3.72% ये शेयर जो है शेयर का प्राइस जो डाउन हुआ है। 3 मंथ में 8.37% रिटर्न दिया जेपी पावर के शेयर ने और 1 ईयर में देखेंगे तो 208.10% के आसपास उसने रिटर्न दिया है जेपी पावर के शेयर ने। देखिए अभी ओवरऑल अगर बात करते हैं जेपी पावर के शेयर को लेके, ओवरऑल जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है जेपी पावर के शेयर को लेकर, जहां पे एफआईएस ने स्टेक इंक्रीज किया है, म्यूचुअल फंड ने स्टेक इंक्रीज किया है, जेपी पावर ने बहुत सारे डेप्ट जो इसके रिड्यूस किया है जो कि 42 बिलियन के आसपास जो कंपनी ने डेप्ट रिड्यूस किया है और कंपनी जो आगे चल के इसके जो डेप्ट है और ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। टेक्निकली जेपी पावर का शेयर जो एक न्यूट्रल बटन बनाता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इसका प्रीवियस क्लोज प्राइस है जेपी पावर का उससे थोड़ा हाई प्राइस में शेयर जो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ट्रेडेड वॉल्यूम जेपी पावर को लेकर बात करते हैं, यहाँ पे ट्रेडेड वॉल्यूम जो 2 करोड़ के ऊपर का जो इसके 2 करोड़ के आसपास जो है ट्रेडेड वॉल्यूम जेपी पावर शेयर में देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि कंपनी का शेयर जो जेपी पावर का शेयर यहाँ से थोड़ा बहुत तेजी बना सकता है। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस नहीं रखना चाहिए ऐसा हमें लगता है। आपको कैसा लगता है दोस्तों जेपी पावर का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोविश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।